तो सर ये अपने पास में अभी ये आपकी तीसरी घोड़ी है ना? बिल्कुल। क्या उम्र होगी सर इसकी? इसकी भी लगभग 8-1 साल है। 8-1 साल है। और हाइट में कितनी होगी ये? ये होगी लगभग इतनी, 62 के लगभग। बिल्कुल। क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम मुस्कान है। मुस्कान है। और बाप कौन है इसका? इसका नाम वनराज। वनराज, यानी वनराज लाइन की है ना? बिल्कुल, वनराज लाइन की है। वनराज है, आगे आ गया सुल्तान, सुल्तान के आगे अली बाबा, अली बाबा के आगे वनराज। वनराज। अब ये गब्बन है कि किसी से? ये गब्बन है जी। गब्बन है। ये भाई गैरी के पास है पंजाब, जो उसी से गब्बन है। बिल्कुल, उसी से। और ये वाली? ये आलीशान की है। आलीशान लाइन की है। ये भी गब्बन लगती है। ये भी गब्बन है। किससे है ये? ये भी पंजाब से है जी। पंजाब से है ये दोनों, पंजाब से गब्बन। बाकी हाइट में ये भी मेरे को लगता है 62 के। हाँ, ये 62 है। बिल्कुल। क्या नाम रख रखा है इसका? इसका नाम सारा। सारा। बाकी इसके माथे पे पट्टा है बस? हाँ जी, पट्टा है। तो सर शुरू में जब घोड़े घोड़ी लिए थे, मैं आपसे रेट नहीं पूछूंगा, पर लोग बोलते थे कि यार आपने तो बहुत महंगे ले लिए या खराब ले लिए जानवर, जैसे कि घोड़ा मार्केट में लोग एक दूसरे को डिमोटिवेट करने का काम है कि मैं अभी ये बात तो चलो आज आपने पूछी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब जानवर ले आए ना, तो जब अपने किसी रेट तो चलो अपने यार दोस्तों को बताने ही पड़ते हैं, तो कई आपने जो बात की बिल्कुल सही है, तो नहीं मुँह पे पीठ पीछे तो बोल देते हैं कि यार इतने में लिया है ये जब बेचेगा ना जब तो तब पता चलेगा इसको ये बिकेंगे कितने में। ओके। तो डीमोरलाइज करने वाले तो 36 होते हैं इसमें। बिल्कुल। और आपको हौसला देने वाले एक दो ही होते हैं बस। तो सर उस टाइम पे थोड़ा लगता था कि यार हम तो बिल्कुल बिल्कुल आदमी डावाडोल हो जाता है जी इतने, यानी आदमी सोचता है कि महंगा जानवर लाके और ये ऐसा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा है कि यानी ये तो चलो चलता ही रहता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव वाले बंदे तो नेगेटिविटी वाले भी होते हैं जहाँ पॉजिटिव वाले होंगे। ओके। बंदे पूछते होंगे कितने में लेके आए भाई ये? हाँ 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 पूछते हैं। तो सर जैसे भवरियों वगैरह का भी बहुत चलता है, तो उसके बारे में भी शुरू में सोचा क्या थोड़ा? भाई साहब मैंने तो जब पहले दिन भाई कैरी से घोड़ी लाई मशीनी होती है आपको मोवा, मुझे तो तभी सोम का भी पता नहीं था ये कैसे देखते हैं क्या होता है, तो भोरी के बारे में अभी सोम का तो थोड़ा बहुत पता चल गया आज की डेट में, लेकिन भोरियों के बारे में तो ना कभी इतना मैंने ख्याल किया है ना ही मैं वो मानता हूँ भोरियों मानते। तो सर धीरे धीरे जैसे जैसे इस घोड़ा लाइन को समझ रहे होगे, बहुत कुछ मेरे को लगता है समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं वीडियो भी आपकी काफी देखता रहता हूँ उसमें भी काफी सीखने को मिलता है। पर सर जब घोड़ा लाइन में आप आए होगे तब सोचने का नजरिया और कोई होगा, और आज एक साल बाद मेरे को लगता है नजरिया चेंज हो गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना तो नहीं, लेकिन जब मैं आया मेरा एक्चुअली क्या है कि इतना घोड़ों की दुनिया में इतने लोगों से कनेक्शन भी नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों से कनेक्शन रखा है, और अभी धीरे धीरे जैसा जैसा भी आगे बढ़ेंगे तो होगी लोगों से पहचान, लेकिन अभी तो काफ़ी छोटा ही सर्कल है अपना। कोई नहीं, घोड़ा लाइन में क्या होता है ना कि देखो जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा ना लोग अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अच्छी बात। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि पहचान बनाने में आपको 2-3 साल लगेगी ना, वो पहचान एक वीडियो से बन जाएगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया का यही सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए घोड़ा घोड़ी वाली लाइन में क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते। बिल्कुल। मैं कहता हूँ अगर आपके पास में घोड़ा घोड़ी है तो सोशल मीडिया पे बराबर एक्टिव रहो। मैं और देखिए एक साल से जानवर हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल जैसे अभी आप लोग हैं, पहली वीडियो है मेरी जो मैं वो भी जैसे आप चलो हमारा भी क्या कहते हैं सौभाग्य आप यहाँ अमृतसर में आए तो चलो मेरा आपसे कॉन्टेक्ट हुआ। बिल्कुल, बन गई, लेकिन अगर नहीं आते तो हो सकता और 6 महीने वीडियो बनती नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अब ये तो नसीब ऊपर वाले के ऊपर है, जो मिलवाना था तो मिलवा दिया। तो सर घोड़ा घोड़ियों के लिए ये फार्म यानी कि आप अभी तैयार करवा रहे हो या पहले से ये आपका फार्म बना हुआ था? नहीं नहीं, ये मैंने अभी एक 2 साल से पहले ये नीली रावी की और शाहीवाल गायें लाई, फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद फिर मैंने घोड़ों का भी शुरू किया। ये देखिए अभी सर और भी कमरे बन रहे हैं, 6 कमरे तो रेडी है मेरे। अच्छा अच्छा। तो लगभग 6 कमरे अभी और इस तरफ मैं बना रहा हूँ, तो ये भी लगभग महीने भर में बन के रेडी हो जाएगा। बाकी फार्म मेरे को लगता है आपने काफी अच्छे तरीके से मैनेज करके बनाया है ना? नहीं, ये तो चलो ऊपर वाले की कृपा है तो बन गया, नहीं तो बंदा क्या होता है बनाने वाला। पहले तो आपके यही होगा मेरे को लगता है ना? नहीं कुछ नहीं था, यहाँ तो खाली था। अच्छा, ये तो 3-3 फीट थोड़ा डीप थी ये जमीन।
फिर इसमें फिलिंग करके फिर 2019 में इसको फिर मन बना एक दिन की बनाए थोड़ा फार्म हाउस, एक दो जानवर रखे, फिर एक दो आते आते फिर प्रभु की कृपा ही फिर बढ़ते गया सिलसिला, तो फिर एक से आठ कर दिए। आठ से भी ज्यादा करने का विचार है क्या सर? देखो वो तो अभी इनके ऊपर है, अभी क्या करते हैं ये भाई। सर इसका नाम क्या बताया था? इसका नाम सारा है जी। सारा, और इसका नाम? इसका नाम मुस्कान। मुस्कान है, ओके।